हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसका मतलब इस इक्वेशन में दिए गए वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमें। 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2, राइट? हमें दो साइड में चाहिए दिए इक्वेशन, एक तरफ दिया है और एक तरफ एक वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू है इससे हमें इधर के इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब सपोज हम मान लेंगे 1 है, राइट? एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x माइनस 3 इंटू 1, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 8x माइनस 3 और इज इक्वल टू एज इट इज, और ये 2 इंटू 3x। ये 2 से मैंने 3x को मल्टीप्लाई करा, क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको नीचे वाले से, इसको नीचे ऊपर वाले से, इस तरह से, राइट? तो 1 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहने वाला है, तो 8x माइनस 3 ही रहेगा और ये 3 टू सा 6x हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ लाना है, कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखना है। तो ये हो जाएगा 8x, ये 6x उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस 3 जो कांस्टेंट था, जो इधर की तरफ था, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब 8x में से 6x गई तो 2x बचेगा इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x हमारा यहीं रहेगा, 3 यहीं रहेगा और 2 मल्टीप्लाई में था, इधर की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है हमें। यहाँ भी वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब हम मानेंगे यहाँ 1 दिया हुआ है, राइट? बस सॉल्व करना है 9x को 1 से, तो 1 इंटू 9x इज इक्वल टू, यहीं पर रहेगा 15 के साथ में ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में जाएगी, मतलब 7 माइनस 6x, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे 9x 1 जा 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7, कितना होगा 105। तो 15 7 से लिखेंगे यहाँ 105 माइनस 15 6 जा, 15 6 जा कितना होता है 90, तो ये आएगा 90x। बस हमें कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाना है। 9x यहीं रहेगा, माइनस 90 था, प्लस 90 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 105 जो वहीं के वहीं है, राइट? अब 90 और प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 105। x हमारा यहीं रहेगा, 105 अपनी जगह पर ही रहेगा, अपॉन में यहाँ पर ही 99 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं 3 से हमारे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 99 का, और ये 3 3 ज़ा 9 होता है, देन 15 बचेगा, तो 3 5 ज़ा 15, 35/33, तो यही हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/33। तो इस तरह से दो क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।